हाँ तो पीपल हम आ गए हैं, ये आप लोग देख रहे होंगे ये बदीन का बाजार है, तो वो उस साइड पे ही बच्चा। इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन मेरा शूज पड़ा है, लेकिन वो नहीं पहन सकता। बड़ा अच्छा है तो पहनो। तो हम जिधर आए हैं आप लोगों को उधर जाके तारफ करवाते हैं कि हम किधर आए हैं, तो आप लोगों को आगे जाना। हाँ तो भी वजह आप लोगों को दिखाएंगे, हम किसी को मिलने के लिए भी आए और स्पेशल जगह पे आए, ये अंदर जाके आपको दिखाते हैं। ये आप देख रहे होंगे, वालेकुम सलाम, ये आगे आपको बताते हैं हम कौन सी जगह पे आए हैं, किधर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। तो आप हमारे साथ रहना और देखते रहना कि आज हम डिपर बाइट पार्टी है हमारी इधर डिपर बाइट। हाँ जी, तो ये साथ है, हम ये भी आप लोगों को दिखाएंगे कि ये अभी पिज्जे का काम करते हैं। तो बहुत ही हमने कल मंगाया था, बहुत ही अच्छा था, तो हमने थोड़ी सी बहुत तारीफ की थी कि बहुत मज़े का आपका जो पिज़्ज़ा है, तो इन लोगों ने आज हमें इन्वाइट किया कि आप लोग इधर आए, इधर आके सारे पीपल खाएं। तो हम इधर आए हैं, तो ये आप देख रहे हैं इसका सारा सेटअप, ये मशीन है, ओवन है, ऐसे ऐसे है कि जैसे बंदे का थोड़ा सा बंदे को काम करें तो अल्लाह ताला रिजक तो दे ही देता है, कोई कुछ भी करता है। कुछ लोग कहते हैं ऐसे को कर रहा है, ऐसे कर रहा है, अपने काम करने के लिए इंसान बिजी भी रहता है और काम भी कर लेता है। तो फिर आ गया कि आप लोगों को साथ दिखाते हैं सारा, जैसे ये बनाएंगे आप लोगों को हम दिखाएंगे। हाँ तो बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि ये शुरू कर दिया है पिज़्ज़ा, ये हमारे सामने, हमने कहा कि हम देखेंगे भी और खाएंगे भी, तो आज हमारे सामने शुरू कर दिया। आप लोगों को भी दिखाते हैं ये कैसे पिज़्ज़ा बनता है और कैसे ये बना रहे हैं। इन लोगों का भी यूट्यूब है, वो भी हम अपने व्लॉग में इसका लिंक लगाएंगे, तो आप लोगों ने ज़रूर देखना है। चलो ऐसे ही एक दूसरे की जैसे हेल्प हो जाती है, ठीक है। मुझे अगर आप नहीं भी व्यू देते ना, कोई बात नहीं है, तो इसको ज़रूर जो है ना व्यू देना। आपका किसके नाम पर बना हुआ है? डिप एंड बाइट, डिप एंड, ये तो मुझे नाम ही नहीं आ रहा है, डिप एंड बाइट, डिप एंड बाइट, ये आप ही देंगे, इतने मुश्किल नाम नहीं मैं लेती, क्यों खैर मैं तो फिर आप ही लेती हूँ। जी आपने नाम तो सुन ही लिया होगा, हम लिंक लगाएंगे इसका, तो आप जरूर इन लोगों का देखना। चलो ऐसे जो है ना थोड़ी सी, मेरे चैनल का नाम है पाकिस्तानी फूड्स एंड व्लॉग्स, अच्छा, और रेस्टोरेंट का नाम है डिप एंड बाइट, अच्छा रेस्टोरेंट का नाम। मैं आपका जो व्लॉग बनाती हूं, चैनल का नाम है पाकिस्तानी फूड्स एंड व्लॉग्स, अच्छा सही मान लीजिए तुम बोलो। अच्छा ये आप क्या लगा रही हैं आप इसके ऊपर? ये व्हाइट सॉस है, व्हाइट सॉस है। तो भी बस आप देख रहे हैं कि हमारे सामने ये बनाएंगे आज, तो आप लोगों के सामने ही ये हम खाएंगे भी आप लोगों के सामने और बनाएंगे भी आप लोगों के सामने। ये अब चिकन लगाने लगे हैं, तो ये भी आप देखें, और इनका पिज़्ज़ा बहुत डिलीशियस होता है, आप दुनिया के किसी भी कोने में और आप आकर खाएँ, क्योंकि मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स आई दुबई से और खा कर गई, और मेरी तो वीडियो स्टार्ट ही नहीं स्टार्ट हो गई, तो इसमें तो नहीं, ओह माय गॉड, दोबारा से शुरू कर मामा, वेट। अच्छा तो आपने पहले क्या लगाया था इसमें? पहले मस्टर्ड सॉस लगाया था जी, व्हाइट मस्टर्ड सॉस लगाया है, इसके बाद व्हाइट चिकन लगाया है, अब हम इस पे चीज लगाएंगे, ये मोज़रेला चीज़ है। आपके रेस्टोरेंट का नाम क्या है? डिप एंड बाइट, डिप एंड बाइट। और आपका भी कोई ब्लॉग है यूट्यूब पे? चैनल है जिसका नाम है पाकिस्तानी फूड्स एंड ब्लॉग्स, फूड्स एंड ब्लॉग्स, पाकिस्तानी फूड्स एंड ब्लॉग्स, ओके। और आपका स्पेशल पिज्ज़ा कौन सा है, आपकी स्पेशलिटी क्या है?
फजीता हमारा यहाँ पे स्पेशल है, लोग ज़्यादा वो पसंद करते हैं क्योंकि सिंध में स्पाइसी पसंद किया जाता है, तो स्पाइसेस लोग यहाँ ज़्यादा पसंद करते हैं, इस वजह से स्पाइसी बनाते हैं। लेकिन ये मलाई बोटी है, मलाई बोटी भी लोग पसंद करते हैं क्योंकि ये थोड़ा लाइट होता है, इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता। हम कैसा खाएंगे? शमीम एंड फैमिली व्लॉग वो स्पेशली लेकर आए हैं यहाँ पर हम लोगों को, उनकी पूरी टीम आई है। देखें जब लोग दुबई से, पंजाब से, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो इधर के लोग हैं, फिर आपके कितने से पीछे लग जाते हैं? ये कहाँ से आया खाने के लिए? ये जो ये छोटी मुर्गी आई, इधर आओ, तो देखें बच्चा पार्टी कितना, आपको पता ही है कि फास्ट फूड बच्चों की फेवरेट डिश है और स्पेशली बच्चे आए हैं। ये देखें आप छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं स्ट्रीट से, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारी अब ये दालें लगी हैं इसके ओवन के अंदर, तैयार हो जाएगा तो हम आपको बताएंगे। ये देखें ये नहीं कर पा, और ये जो 280 पर हमने ऊपर वाला रखा हुआ है और 280 पर ही नीचे वाला है, इसका टाइमर हम लगाएंगे। तो आज मैं ऐसा खाने के लिए आई हूँ, तो जो बच्चे पास्ता पिज्जा पास्ता पिज्जा रोस्ट जिंगर, माशाल्लाह आपके पास तो बहुत आइटम है। फिर तो पहले हमें पता होता तो हम रोजाना इधर खाने आते, 3-4 दिन खाने लगे हैं। परांठा रोल ये भी साथ होगा, तो हमें पता नहीं था, हम बहुत ही जो है ना भलेखे में रहे। अगर हमें पता होता तो हम रोजाना पिज्ज़ा ही मंगाते थी, हमें पता नहीं था आगे आगे रोल भी है, परांठा भी है, हर चीज़ है। तो नहीं तो हमने रोजाना ही आना करना था, इधर आके रात को खा के जाना करना था। तो आज हम सारे टेस्ट देखेंगे क्योंकि हम यहाँ से वापस जाने वाले भी हैं, और आज सब चीज़ों का टेस्ट करेंगे हम, जो बच जाएगा वो हम साथ लेके जाएंगे गर्म करके घर में जाके, फिर जब भूख लगेगी खाएंगे। तो सारे घर पे तो मतलब, पर हम सबसे पहले खाएंगे, आप जितने दूसरे कस्टमर्स हैं आप उनको बाद में खिलाइए, पहले हमें खिलाइए क्योंकि हम आए स्पेशल, यहाँ स्पेशल आए। दूसरे के ऑर्डर आप लोग बना के बाद में भेजना, पहले हमें बना के दो क्योंकि हम पहले सब टेस्ट करेंगे। हम वेट कर रहे हैं। हम आ गए दूसरे किचन में। ये जो दो पार्टन में काम करती हैं तो उसका साथ ही घर है जो पिज़्ज़ा बनाते, तो अभी हम आ गए उसके घर, उसका भी देखेंगे, उसके घर का भी कुछ खाएंगे भी और देखेंगे भी। आपने पकाया क्या? आप हाँ, तो व्यूअर्स हम जैसे ही पिज़्ज़ा हट में आए ऐसे साथ वो जो पार्टन है उसका घर है, तो हम उधर भी आ गए, उधर भी हम ये उन लोगों ने पिज़्ज़ा खाने से पहले ये रख दिया, अभी देखते हैं हम क्या खाएंगे। खाएंगे तो थोड़ा बहुत ज़रूर क्योंकि रख दिया, दिल तो नहीं किसी का तोड़ना। तो इसमें तो आज ये बेबो देखेगी तो बेबो तो परेशान ही हो जाएगी कि मैं चली जाती साथ, तो मैं भी अच्छा साथ इन्जॉय करती। तो मैं कितने दिन का इधर 4-5 दिन हो गया वेट कर रही हूँ, अभी आपकी चार से बात करवाती हूँ, अगर आप आ जाती तो गुस्सा भी आपका और मेरा ख़त्म हो जाता। चलो खैर कोई बात नहीं, आगे देखते क्या होता है, इतने आपने इल्ज़ाम तो लगा ही लिए, फिर आगे देखेंगे क्या होता है। ओके तुम लोग खा लो साथ साथ। ये कटिंग कर रहे हैं, हाँ ये आ गए हैं जो हमारे फ्रेंड आए थे वहाँ से, ये भी रेडी हैं, उनके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और ये खाने को रेडी हैं। ये देखिए कितना डिलीशियस लगता है, हम हर पिज़्ज़ा ट्राई करेंगे आज। हम लोगों ने ऑलरेडी क्या क्या ट्राई किया, तो पिज़्ज़ा शवरमा, पिज़्ज़ा रोल, हाँ पिज़्ज़ा शवरमा, पिज़्ज़ा रोल बहुत डिलीशियस था, वो हम खा चुके हैं। और अब ये जो लड़के आए हैं हम उनको खिलाएँगे, ये देखें ये है इसका। हेलो
हाँ तो व्यूज आप देख रहे हैं कि पिज्जा तैयार हो गया, हमने टेस्ट भी बच्चों ने कर लिया, बहुत मजे का बना है। आपका दिल करे तो आप भी बना के इधर से मंगा के खा सकते हैं। दूसरे नंबर पे ये परांठा रोल बना है, ये भी हम टेस्ट करेंगे ये कैसा है। ये सारे परांठे बने हैं, ये आप देख रहे हैं शॉर्मा बनाया है। अभी मैं ये भी टेस्ट करूंगी फिर आप लोगों को बताती हूँ ये कैसा है। ये बहुत मजे का ये बना, ये सऊदी अरब याद आ गया सारे। तो देख रहे हैं इनके इनके डिप एंड बाइट ने सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया। तो ये बहुत खुश हो रही है इसको खा के, बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। समझ नहीं आ रहा ये क्या खाए, पिज्जा खाएं या रोल। अभी दूसरा पिज्जा हमारे लिए और जिंगर बर्गर बनने के आ रहे हैं, जिंगर बर्गर तैयार करेंगे ना, तैयार हो गए ये जिंगर बर्गर है इनके, ये भी तैयार हो गया। अभी गर्म गर्म के लिए रखेंगे ओवन में डालेंगे और ये डालेंगे विद इन मिनट थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि कैसे खा रहे हैं। हम से इब्राहिम जो कभी खाना नहीं खाते उनको स्पेशल लेकर जाना पड़ता है सबके ऊपर ऊपर बिठा के इनको धमकी दी जाती है कि आप खाना खाए वरना आपको गिरा दिया जाएगा, तो तब ये खाना खाते हैं। इनकी मामा को यकीन नहीं आएगा अगर वो ये वीडियो देखेंगी कि इनका बच्चा यहाँ आकर ऐसे खाना खा सकते हैं। हाँ तो वीवर्स आप देख रहे हैं ये हमने साथ, तो पहले तो हमने खाना खा लिया इधर साथ, ये बच्चे हैं घर में उन लोगों के लिए पिज्जे बनवा भी दिए हमने तीन, ये आपको दिखा देते हैं। ये सारी इसकी डेकोरेशन भी ये आप पैक कर दें ऐसे ही, ये भी है यानी कि मुख्तलिफ थोड़े से किए मसाले वगैरह के करके, तो ये थोड़ा सा छोटे बच्चों के लिए किया इसकी वो मिर्ची कम डाली है। तो अभी हम इसके साथ यहाँ से हम निकलेंगे भी क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, इसके साथ हम व्लॉग का भी एंड करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ आप लोगों के साथ मिलेंगे। आप ज़रूर देखना और शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ये व्लॉग हमारा ज़रूर ज़रूर देखना। इसका लिंक भी मैं लाऊँगी जो पिज़्ज़े वाले इन लोगों का भी लिंक लगाऊँगी, तो आप लोगों ने ज़रूर देखे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ आप लोग से इजाज़त मांगते हैं। ओके अल्लाह हाफिज़।